गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30, और आज मेरा वीडियो शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए इनका चिल्लम चिल्ली हो रही, क्या झगड़े इन लोगों के तो चलते ही रहते हैं। वो बोला दिया था खाना, तो अभी बनाऊंगी मैं खाना, और खाने में बनाऊंगी खिचड़ी, और बच्चों के लिए रोटी बनाने वाली हूँ। और आज मैं बालों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अपने लिए मतलब कुछ स्पेशल सा करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसीलिए मैं शाम से शुरू कर रही हूँ इस वीडियो को आप सभी के साथ। तो बने रहिएगा एंड तक वीडियो में। और हमें खिचड़ी में क्या क्या सामान लगने वाला है देख लेते हैं। तो ये मैंने 3 तरीके की दालें ली हैं, मूँग, मसूर और अरहर, और चावल लिया है। जितनी क्वांटिटी में दालें उतना ही चावल है, और टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज, और एक आलू। और आप ग्रीन हरी सब्जियां डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। और अभी मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी और अच्छे से धो लूँगी, फिर इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी। और ये यहाँ पे जो अभी देखे थे आप लोगों ने, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, ये सब मैंने काट के रख लिया है। और मैं इसको देसी घी में बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो किसी में बना सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि खिचड़ी वगैरह ये सब घी में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो जब घी अच्छे से गर्म हो गया है तो बस मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और कटा हुआ प्याज। और शाम के टाइम ना कुछ हल्का ही खाने का मन होता है, तो फिर इसीलिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। बच्चों के लिए रोटी वगैरह बन जाएंगी, हम लोग खिचड़ी खा लेंगे। और टमाटर और हरी मिर्ची डाल के जो नॉर्मल से खिचड़ी में, ज़्यादा आप लोग जानते हैं मसाले वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, तो हल्दी, नमक, मिर्ची बस यही मैं डालने वाली हूँ। मैं और तो कोई ख़ास मसाले इसमें यूज नहीं कर रही, क्योंकि सिंपल ही खिचड़ी ज़्यादा पसंद अच्छी लगती है मतलब। और जब ये छौंक अच्छे से पक गया है तो बस मैंने इसमें आलू को मिक्स कर दिया है, और अच्छे से मैंने इनको 2-3 बार वॉश कर लिया था दाल और चावल को। और इसमें थोड़ा हमें पानी ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी पतली होती है तो इसे ही रखती है। और बस अभी इसको पकने देंगे और 2 सीटी लगाएंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी। यहाँ बच्चों के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, जब तक मेरी रोटी खिचड़ी बनेगी तब तक रोटी भी बन जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पे खिचड़ी बन के हो गई है तैयार, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। रात का ये डिनर है हमारा सिंपल सा। और अभी मैं दूध वगैरह गर्म कर लिए थे, तो ये 1 गिलास मैं दूध डेली आपको बताया है दही लगाती हूँ, तो बस इस तरीके से मैं डेली उसमें मलाई डाल देती हूँ। और फिर सुबह मैं उसको ऊपर ऊपर से मैं हटा लेती हूँ मलाई को, और जो बाकी के दूध वगैरह मैं उनको फ्रीज में रख दूँगी। और किचन का क्लीनिंग वगैरह काम मेरा लगभग हो चुका है, तो यहाँ पे इनके लिए चना, बादाम और किशमिश भिगो दे रही हूँ, जो कि रोज़ सुबह ये खाते हैं। तो बस अभी ये मेरा हो गया है, और अभी सारा काम ख़त्म करने के बाद आई हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं उसके लिए। तो ये है विटामिन ई के कैप्सूल, जो आप सभी लोग जानते होंगे कि बहुत अच्छे होते हैं हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए। और एलोवेरा जेल है, ये पतंजलि का है मेरे पास। आपके पास अगर फ्रेश एलोवेरा है तो वो और ही अच्छा है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। और बस मैंने यहाँ पर वो कैप्सूल था उसमें से उसको काट के निकाल लिया है, और यहाँ पर ले लिया है ये जेल। और फिर इसमें अपने मतलब मेरे बाल इतने ज़्यादा नहीं है, अपने बालों के हिसाब से जितने क्वांटिटी में आप ले लीजिए, तीनों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इस तरीके से हाथ से अपने बालों में ऐसे हल्का हल्का रख करना है, ज़्यादा इसको नहीं घिसना है। और लगाते के साथ ही ना बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, और जिस किसी ने भी ट्राई किया होगा उसको पता होगा ये हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अभी ना मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि कुछ दिन और ऐसा चला तो कुछ भी नहीं बचेगा, वैसे ही मेरे बाल की ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। और मैं इसको पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। सर्दी के टाइम मेरे बाल झड़ रहे थे, तो उस टाइम भी मैंने इसको यूज़ किया था, तो फिर अभी मेरे काफ़ी झड़ रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से हाथ डालने के साथ बाल हाथ सिर से हाथ में आ जाते हैं बिना कंघी वगैरह का भी, और इधर फिर पूरे घर में भी हो जाते हैं, बहुत परेशान रहती हूँ मैं इनकी वजह से। तो अभी देखिए मैंने पूरा अच्छे से लगा लिया है, और नीचे वाले जो बाल हैं इनसे पूरा कटोरी को भी पोंछ लिया है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमें। और बस इनको अच्छे से पूरे बालों में लगा लेना है। और यहाँ पे अभी फिर मैं लगा ले रही हूँ, यहाँ पे मच्छरदानी हमारी सोने की तैयारी हो चुकी है अभी, क्योंकि काम वगैरह सब हो चुके हैं और लेट भी काफ़ी हो चुका है, अभी 10:30 बज रहे हैं, तो फिर सोते सोते तो 11:30 11 हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे और इसके बाद फिर ना मैं एक बार पूरा गेट वगैरह चेक कर लेती हूँ सोने से पहले, क्योंकि ये नहीं होते हैं तो फिर मुझे और ज़्यादा थोड़ी सी फिक्र होती है, तो हम और बच्चे ही हैं घर पर इस वजह से तो थोड़ा सा लगता है।
तो यहाँ पे मेरे गेट वगैरह अच्छे से बंद हैं सभी। हेलो, कैसे हैं आप सभी। और देखिए अभी सुबह का बजा हुआ है 7 और बारिश 7 बहुत तेज सुबह सुबह पड़ रही है, दिख नहीं रहा होगा। चाय वगैरह हम ये देखिए, ये है यहाँ पे भुट्टा। किस किस को पसंद है बताइएगा। तो अभी मेरे काम वगैरह सारे हो चुके हैं, तो यहाँ पे अपने मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, उसको भुट्टा खाना बहुत पसंद है। तो फिर मैंने इनसे मंगाए थे, 4-5 लेके आए थे। तो अभी मैं उसके लिए भून दे रही हूँ और नमक नींबू लगा के। तो मुझे लग रहा है बारिश का टाइम में तो सभी को ये पसंद आता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी इस पे देखिए, अच्छे से धीमे मैंने भून लिया है आँच पे, और अभी इसको लगा देंगे नमक और नींबू। और जल्दी जल्दी से आ जाइए आप लोग खाने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, मैंने बनाया था अपने लिए मैंगो शेक, तो मैं जा रही हूँ ये पीने के लिए नाश्ते में। आज मैं और कुछ नहीं लेने वाली हूँ, यही सिंपल सा। और फिर सुबह सुबह बनाया था ना, इनके जाने से पहले ये जल्दी में गए थे सुबह, तो फिर सुबह सुबह कैमरा उठाने का मन नहीं होता, इस वजह से वो शेयर नहीं किया। लेकिन जब पी रही थी तो मुझे याद आया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और ये देखिए, जो रात को मैंने आपके सामने जो दही लगाई थी, आप देख सकते हैं कि वो दही कितना अच्छे से लग गई है। और क्या हुआ ना, मतलब कल की भी दही है, फ्रिज में रखी थी क्योंकि कल किसी यूज में नहीं आ पाई थी। और आज तो दोनों में से मैं मलाई को निकाल के इस तरीके से रख दूंगी, फिर बाद में मैं इसको यूज में ले लूंगी, क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छी आप सभी के साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ अरवी की। तो कुछ दही मुझे उसमें लगने वाला है, और बाकी का जो बचेगा तो उसका फिर मैं रायता बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने अरवियाँ उबाल के और छील के उनको काट के रख लिया है, और यहाँ पे ऑयल डाल दिया कढ़ाई में गर्म करने के लिए। तो बस जब ऑयल अच्छे से हो गया है तो मैंने उसमें अजवाइन डाल दी है, और ये कद्दूकस किया हुआ प्याज है, तो बस इसको डाल देंगे और इसको आराम से भुनने देंगे। तब तक हम आगे की अपनी अरबी को बनाने की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा हींग, क्योंकि अरबी भी ना थोड़ा सा बादी करती है, तो हींग जरूरी है ऐसी सब्जियों में डालना। और यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया था आपको, ये आधा सा कटोरी मैंने ले लिया है दही, और इसमें हम मिलाने वाले हैं सारे मसाले। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया, छोटी चम्मच है, और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे हल्दी डाल के, और अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है। और बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमें इनको इसमें, मैं इसको कोटिंग करने वाली हूँ अरवी को। और यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखी थी, तो ये डाल दिया है। और वैसे ना आप इसमें टमाटर की प्योरी बना के डालें, मतलब मिक्सी से पीस के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा क्या हुआ ना, आज लाइट चली गई, 10:30 बजे सुबह में ही चली गई थी। फिर उसके बाद अभी 12:30 हो गया है, तो अभी आई नहीं है, फिर खाना लेट हो जाएगा बनाने के लिए, इसी वजह से फिर मुझे काट के ही डालने पड़े हैं। लेकिन पीस के डालिए तो और अच्छा रहता है। और देखिए, इस तरीके से अभी आपने देखा होगा ना, उस तरीके से बस उसको अरवी में मिक्स कर देना है। और अभी हमें टमाटर कटा हुआ है, तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक टमाटर को धीमी आंच पे पकने देना है। तब तक मैं अपना आटा भी लगा लूँगी। फिर मैं किचन में ऐसे फालतू में एक काम के लिए नहीं खड़ी होती हूँ, एक ही साथ फिर मैं सारे काम फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग के तैयार हो गया है, तो बस अभी हम चेक कर लेंगे, और टमाटर अच्छे से गल गए होंगे, तो फिर हम ना उनको, फिर जो मैंने अभी अरबी में मसाला मिक्स करके रखा है वो मैं अभी इसमें डाल दूंगी। और वो ना बहुत ही, इस तरीके से आप ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। और यहाँ पे देखिए, इधर साइड में पानी उबल रहा है, क्योंकि हम इसमें बॉयल पानी का यूज़ करने वाले हैं। वैसे आप सूखी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। और ये देखिए, टमाटर ने भी अच्छे से ऑयल छूट दिया, आपको दिख रहा होगा। तो जब भी जो मैंने अरवी रखी थी मसाला लगा के, बस मैं इनको मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसमें, सॉरी, नमक नहीं डाला था, क्योंकि मैंने नमक टमाटर में मिक्स कर दिया था टमाटर के गलने की वजह से, तो मैंने अरवी में मिक्स वो नहीं डाला था मिक्स करते समय, तो नमक मैं पहले डाल चुकी हूँ। और बस यहाँ पे जो गर्म पानी था उसको डाल दिया है, और 10 से 15 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। 10-15 मिनट बाद आप देख सकती हो कि सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी बनी है। तो बस अभी इस टाइम पे हम इसको थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल देंगे, क्योंकि धनिया से तो कोई भी सब्जी हो उसका कलर और अच्छा आ जाता है। तो और बस धनिया डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा भी गरम मसाला ऐड करूँगी, और यहाँ पे इसको बंद कर दूँगी गैस को।
और मैं इसमें डालने वाली हूँ नींबू, क्योंकि नींबू के साथ ना ऐसी सब्जियाँ जैसे भिंडी हो गई या फिर ये अरबी हो गई, कुछ कुछ सब्जियाँ हैं जो कि नींबू से ज़्यादा अच्छी लगती हैं, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, या फिर आप अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा नींबू। और ये सब्जी हमारी हो गई है बन के तैयार। तो फटाफट से ना अभी मैं रोटियाँ भी सेक लेती हूँ, रोटियाँ दो दो तीन तीन करके इस तरीके से देखिए कितनी फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं ना, तो ये खाना बन के हो गया है तैयार। और अभी हो गया है शाम का समय, तो चलिए आज आपको फ्रेश अमरूद खिलाती हूँ, अभी तोड़ के लाते हैं पेड़ से। ये देखिए यहाँ पे पका हुआ है, और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो फिर मैंने और कुछ शेयर नहीं किया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।